प्रिय विद्यार्थियों, RCA की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, केस थर्ड पर बेस है। 1/2 तथा 32 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य हैं, तब दूसरा व चौथा गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। देखो, ये आप दो संख्याएं हैं जो आप बोल रहे थे A और B, इसके बीच में आपने 5 गुणोत्तर माध्य क्या किए हैं, रख दिए हैं G4 और G5, और ये सब किसमें है, RnGp, ये GP में है। तो अब देखो, बहुत अच्छा लगने वाला है, A की जगह क्या होगा 1/2 और B की जगह क्या होगा 32, और आप इसमें क्या लिखोगे G1 G2 G3 G4 G5, किसमें होगा RnGp, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है। अब उसके बाद देखो, अब हम जैसे थ्योरी समझ रहे थे उसकी तरीके से तो करेंगे नहीं, हमने एक फॉर्मूला सीखा था वहां पर, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखिए कैसे, R = क्या होता है B/A/1n+1, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ताकि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी छोटा कर पाओ। तो उसके बाद देखो, जहां A = क्या है, A = 1/2, B = क्या है 32, और आपके पास n क्या है, n देखिए n है 5, मतलब आप दो संख्याओं के मध्य जितने भी गुणोत्तर माध्य रखते हैं उन सभी की संख्या होती है। तो आपने n = 5 लिया। अब इसके सॉल्व कर लो, R = 32/1/2, और इसकी घात में क्या है 1/5+1 हो गया। अब देखिए, ये मैंने बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया कि 1/2 को मैंने छोटे ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद देखो, R = 32, अब देखो ये क्या होगा 32 × 2/1 होगा क्या, नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा पूरा 1/6, ये 5 कैसे आया, 5 गुणोत्तर माध्य, और 32 × 2 क्या होता है 64 / 6 क्या होगा 6, और R = क्या होगा 2/6। देखो 2/6 करना, 32 × 64 आएंगे और ये 6/6, अब 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा R = में 2 आ गया। अब उसके बाद देखो, आपको क्वेश्चन ने क्या कहा है, आपको कहा है दूसरा तथा चौथा गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। तो दूसरा मतलब G2, और G2 क्या होता है A का वैल्यू क्या है 1/2, और R का वैल्यू क्या निकाला है आपने 2, और यहां से क्या आया 1, 2 से 2 कट गया, कैंसिल आउट हो गया। और चौथे के लिए क्या करोगे AR4, यानी कि A का वैल्यू 1/2 और 2/4, और ये क्या आएगा 2 को इससे करो तो 2/3, और ये क्या होता है 8। तो इसका मतलब ये और ये आपके दोनों क्या आ गए आंसर। इस प्रकार से आपने 1/2 तथा 32 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य रखने के बाद दूसरा और चौथा गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर लिया है। दो संख्याओं A तथा B के मध्य n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल, ये आपका केस फोर्थ है। अब इस केस फोर्थ को देखिए, A और ये आपका B है, इसके बीच में n गुणोत्तर माध्य, अभी बताया सेम तरीके में ही रखना है, G4 ….G है, और ये सब किसमें है R n g p। अब देखो, आपको क्या कहा है क्वेश्चन ने, कि जो भी आपने A और B के बीच में n गुणोत्तर माध्यों को रखा है इन सब का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, देखो G1 G2 G3 ….Gn = देखो G1 का वैल्यू क्या है AR, G2 का वैल्यू क्या है AR2, ये सब लास्ट केस में, केस थर्ड में मैंने करा दिया है, और G3 का मतलब क्या है AR³। ऐसे ही करते करते चलो, और लास्ट में क्या होगा AR^n, GN वो हो गया। उसके बाद देखो, ध्यान देना, R पे चलना, एक बार R से पहले आप A पे बात करते हैं, A और A जब दो को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा A², जब तीन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा A³, और जब n को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा A^n।
ये एन कैसे पता लगा? क्योंकि आप कितनों का कर रहे हो? एन गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल कर रहे हो। तो क्या होगा? ए की घात एन और आर की घात, बोलो, देखो आर की घात एक यहां पर है, आर की घात दो, आर की घात तीन, आर की घात चार, ऐसे करते करते कहां तक गया? आर की घात एन तक। तो देखिएगा, जब बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। क्या करोगे? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 डॉट, ये प्लस एन हो गया। अब उसके बाद में मैंने आपको ये सिखा रखा है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 एन तक, इसका वैल्यू क्या आता है? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन का टू आता है। अब आप रखो, ए की घात एन, आर की घात एन इंटू एन प्लस वन अपॉन का टू। अब देखो आपको क्या बता रखा है, आर इक्वल टू बी अपॉन ए और उसकी घात क्या होगी? एक बटे एन प्लस वन। फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये देखिए ए की घात एन और आर की जगह बी अपॉन ए की घात एक बटे एन प्लस वन और इसकी भी घात क्या है? दोबारा से देखिए, ए की घात एन और आर का वैल्यू क्या है? बी अपॉन ए की घात एक बटे एन प्लस वन और इसकी भी घात क्या है? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन का टू। ये आ चुका है। अब देखिए ध्यान से, आप एन प्लस वन से एन प्लस वन को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो देखिए क्या बचेगा, ए की घात एन और यहां से देखो बी बटा ए की घात एन बटे दो आने वाला है, एन ऊपर रहा और दो ये रहा। अब उसके बाद देखो, ए की घात एन बी की घात एन बटे दो बटे ए की घात एन बटे दो। उसके बाद देखो ए की घात एन और जब ये हर से अंश में जाएगा तो ए की घात माइनस एन बटे दो आ गया, हर से अंश में गया तो घात क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे ही बी की घात एन बटे दो। अब उसके बाद देखिए, ए की घात आधार समान घातें जुड़ जाती हैं, एन प्लस माइनस एन बाई टू, घातें जुड़ गई हैं एन प्लस और ये क्या है माइनस एन बाई टू लिख दिया और उसके बाद क्या आएगा? बी की घात एन बाई टू। अब देखो ए की घात प्लस माइनस क्या होगा? माइनस कंप्लीट और उसके बाद क्या होगा? बी की घात एन बाई टू। अब देख लो एन में से एन बाई टू जाएगा तो क्या मिलेगा? एन बाई टू। आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसको नहीं आ रहा एन माइनस एन बाई टू है, एन को मान लो वन बाई टू, एक में से आधा गया आधा बचेगा, ये रहा एन बाई टू और क्या आ गया? बी की घात भी क्या है? एन बाई टू और इनको एक साथ मर्ज करके लिखोगे तो क्या होगा? एन बाई टू। और ये चीज आपको लर्न रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एन गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल क्या आता है? ए बी की पावर एन बाई टू। अब एग्जाम में क्या कहेगा कि आपको कहेगा कि दो संख्याएं हैं, कोई भी ले ले और कहे कि इनके मध्य G1 G2 G3 तीन गुणोत्तर माध्य हैं तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो आप सीधा कह सकते हो ए बी इंटू पावर में क्या आएगा? 3/2। बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये जीपी की जो भी अपने चार केस थे उनको कंप्लीट कर दिया है। अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड।